अच्छा अभी आप देख रहे हैं चेहरे पे कितनी अच्छी रौनक है, खुश हैं और बढ़िया लग रहा है। पीली साड़ी में जैसे कि इन्हें बहुत बड़ा वो मिला। तो इंदू जी, आज आपको SC ST वेलफेयर का बोर्ड का मेंबर बनाया है, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको और आपके इस चैनल को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और धन्यवाद कहना चाहती हूँ राजेंद्र पाल गौतम जी का, अरविंद केजरीवाल जी का, जिन्होंने हम पे इतना विश्वास किया और हमें SC ST वेलफेयर बोर्ड का मेंबर के रूप में हमारा चुनाव किया। समाज का आप धन्यवाद नहीं करेंगे? समाज में ही आती हैं आप। हाँ। उस समाज का तो सबसे पहले धन्यवाद है, क्योंकि उसी समाज के जरिए ही, क्योंकि जिस काम के लिए हमें चुना गया है वो समाज का ही कल्याण के लिए हमें चुना गया है, और जिसको हम मतलब पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाएंगे। इंदू जी, देखा गया है कि जिनको ये जिम्मेदारी मिल जाती है, उस जिम्मेदारी मिलने के बाद में वो लोगों का काम नहीं करते हैं, घर में चुपचाप बैठे रहते हैं, जब फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाती हैं। सर, ये जिम्मेवारी मतलब सिर्फ हमें एक ये है कि आज SST बोर्ड का हमें मेंबर बनाया गया है, ये एक अलग से एक मतलब एक पदवी दी गई है। अगर वास्तव में देखा जाए तो हम शुरू से ही मतलब एक बचपन से ही हम समाज के कल्याण के लिए सोशल वर्कर के रूप में काम करते ही रहे हैं, तो हमारा ऐसा नहीं है कि ये चीज़ हमें आज पद मिल गया है और हम इस पद को मिलते ही मतलब एक अलग मतलब हमारा एक रूप हो जाएगा। नहीं, हम जिस कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य को शुरू से करते रह रहे थे, उस कर्तव्य निष्ठा को और आगे बढ़ चढ़ कर करेंगे। जो बस ये था कि हमारे पास कोई चीज़ की कमांड नहीं थी, हमारे पास एक पहचान नहीं थी, वो पहचान हमें मिली है, और इस पहचान के जरिए जो काम करने का एक जो बीड़ा है उसको हम भली भांति और बहुत ही अच्छे ढंग से उस चीज़ को निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बोर्ड के अंदर आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या इसके अंदर एक जो काम? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये बोर्ड जो है एक SC ST समाज के लिए बोर्ड बना हुआ है, और मेन है एक चैलेंजिंग है, क्योंकि समाज में जो भी देखो ये समाज एक पिछड़ा मतलब समाज है, और हमेशा मतलब क्या एक लोग इसे दयनीय मतलब उससे देखते हैं, तो तरह तरह की जो प्रॉब्लम आएंगी उनको मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, और उनकी प्रॉब्लम को लोगों के समाज के सामने लेकर जाना पड़ेगा, उनके लड़ना पड़ेगा उनके हक के लिए, जिसके लिए हम करते भी हैं। अभी एट्रोसिटी एक्ट के बारे में भी, जिसमें 20 मार्च को जो इतना बड़ा मतलब एक आंदोलन हुआ था, जो गलत डिसीजन दिया था, उसके खिलाफ भी हमने 2 तारीख को एक महा मतलब आंदोलन तो था ही, उसके अलावा हमने 3 तारीख को भी एक बीड़ा उठाया था, अलग हटकर एक महिला पहचान होने के बाद भी हम लोगों ने उस कमांड को निभाया और बड़ी अच्छे ढंग से उस चीज़ को लीड किया। तो ऐसा नहीं कि हम आज कर रहे थे और अब करने के बाद हमारी एक अलग हो जाएगी, हम इस कार्य को आगे करते ही रहेंगे। जब भी कोई काम आएगा उस चीज़ को हम पूरी लगन के साथ करेंगे, पूरी मेहनत के साथ करेंगे, और राजेंद्र पाल गौतम जी जब जब हमें इस चीज़ के लिए मतलब कोई चीज़ मतलब आह्वान करेंगे तो उस चीज़ के लिए हम हमेशा साथ खड़े रहेंगे उनके। जिससे लोग बाग आपके पास में आएंगे तो उन लोगों को जो एक अपने काम को लेके आएंगे, मैं तेरे यही फेंक के मारूं क्या? कर लेंगे। जिससे लोग अब आपके पास में काम के लिए आएंगे, बच्चों का एडमिशन है और आप स्कूल में भी शायद पढ़ा रही हैं और जा रही हैं, तो अब जो स्कूल का मैटर होगा उस मैटर को कैसे आप सोल्व करेंगी, कि प्रिंसिपल कह देती है मेरे पास कमरे नहीं है या इनका आधार कार्ड नहीं, उन एडमिशनों को कैसे कराएंगे आप? देखिए, मैं स्कूल में सोशल वर्कर के रूप में भी काम करती हूँ और मतलब इलेक्शन कोऑर्डिनेटर हो, शुरू से मैं तो ये चीज़ को करती आ रही हूँ, तो एडमिशन के मामले तो हमारे यहाँ चलते ही हैं, और एडमिशन के लिए अगर कोई गरीब अगर कोई आता है तो उस चीज़ को लिए पूरी जी तोड़ से मेहनत करूँगी, और जो एक कानून के जो दायरे में वो चीज़ आती है, अगर वो प्रिंसिपल भी नहीं करती है, अगर कानून के दायरे में आती है, तो उसके लिए जी जान से मतलब खड़ी रहूँगी मैं। प्रिंसिपल नहीं करेगी तो फिर आपका क्या अगला कदम होगा? अगला कदम ये होगा, प्रिंसिपल नहीं करेगी तो DD जोन है, उनके पास उस चीज को मतलब फॉरवर्ड करेंगे। पढ़ा लिखा होने का पूरा फायदा उठाएंगे। मतलब बिल्कुल बिल्कुल।